हम लोग एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित ग्राम चारपारा कोहड़िया के निवासी हैं। हमारी भूमि का अधिग्रहण एनटीपीसी के द्वारा सन 1978-79 में लिया गया था। उस समय हमारे गांव से लगभग 307 परिवार विस्थापित हुए थे। विस्थापन के समय एनटीपीसी कोरबा ने कहा था कि आपकी भूमि हम परियोजना के लिए ले रहे हैं और उस 307 परिवार से प्रत्येक व्यक्ति को हम स्थायी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उसमें 307 परिवार से मात्र 38 लोगों को ही अभी तक स्थायी नौकरी मिल पाया है। उसमें से 269 परिवार को अभी तक स्थायी नौकरी नहीं मिली है। उनमें से आज हम तानसेन चौक के धरना स्थल पर 8 परिवार यहां पर स्थायी नौकरी के लिए बैठे हैं और हमने शासन प्रशासन से निवेदन किया है कि हमें स्थायी नौकरी प्रदान करें। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसके पश्चात यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगामी समय में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कितने साल हो गए अधिग्रहण? जी 43 वर्ष से अधिग्रहण हुआ है और 43 वर्षों से हमारे पूर्वज और हम प्रयासरत हैं। कितने लोगों को नहीं मिला है नौकरी? जी लगभग 269 लोगों को नहीं मिला है, बैठे हैं। और उसके बाद में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसके पहले आप लोगों ने प्रशासन और कई मंत्री लेवल पे शिकायत कर दी? जी हमने कई बार प्रबंधन को आवेदन के माध्यम से निवेदन किया है और प्रशासन को भी हमने अवगत कराया है। क्या रिस्पॉन्स मिला? जी प्रशासन का रिस्पॉन्स तो थोड़ा सा पॉजिटिव है पर प्रबंधन किसी प्रकार से हमें मदद नहीं कर रही है। प्रबंधन क्या बोल रहा है? प्रबंधन स्थायी नौकरी देने के पक्ष में नहीं है।